अभी क्या ड्रामा है यार, अगर आप लोग ज़ारा भाभी को घर लेकर आई गए तो एटलीस्ट मुझे एक दफ़ा बता ही देते। मैं कब से बाहर बैठा इंतजार कर रहा था। कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें उसकी हालत का पता तो है? पता नहीं अजीब सी जिद पकड़ी हुई उसने, जो भी बात करती है वो जिद करना शुरू कर देती है। अब देखो जब से आई है कमरे में बैठी है, ना खाया ना पिया, बस टहले जा रही है। वैसे मुझे भी लग रहा है कि ज़ारा भाभी को भाई की हालत का कुछ गिल्ट है, या शायद वो अपने आप को कसूरवार समझती है। समझे या ना समझे, उनकी तबीयत में सुधार तो नहीं आ सकता ना इस बात से। वैसे एक बात बोलूं भाभी? हाँ बोलो। पता नहीं क्यों भाभी, जब से दलाल भाई ज़ारा भाभी को घर लेकर आए हैं, पता नहीं वो उनका उस तरह ख्याल ही नहीं रख पा रहे जिस तरह उनको रखना चाहिए। तुम ये कैसे कह सकते हो बुड्ढू? भाभी ज़ारा भाभी की बातों से मुझे लगता है ऐसा, बस और कुछ नहीं। कैसी बात है भाभी? मैं नहीं जानता ये मेरे वहम है या असली में ऐसा कुछ है। बुड्ढू जो भी बात है वो साफ साफ बताओ मुझे, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? कुछ खास तो नहीं भाभी। हाँ लेकिन एक दफ़ा उन्होंने मुझसे ये ज़रूर पूछा था कि क्या मैं और तलाल भाई सगे भाई हैं या नहीं। ये कैसी बात हुई? और तुम्हें इस बात से कैसे लगा कि तलाल ज़ारा का ख्याल नहीं रखता? भाभी वो ये कह रही थी कि जिस तरह मैं जुगनू का ख्याल रखता था वो उस तरह उनका ख्याल नहीं रखते।